तो दोस्तों मैडॉक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स की सबसे हिट मूवी स्त्री का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। जितना अच्छा इस फिल्म का पहला पार्ट था उतना ही जबरदस्त इसका सीक्वल भी है। ये मूवी हॉरर कॉमेडी जॉनरा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जो कि अपने पहले पार्ट की कई सारी मिस्ट्री और सस्पेंस का खुलासा करती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जोरदार कैमियोज और कमाल के पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। आज मैं स्त्री 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफी बदल चुके हैं। पहले जो लोग स्त्री को एक वैश्या और डरावनी चुड़ैल समझते थे, वो अब उसकी इज्जत करने लग जाते हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और बीच में उसकी एक मूर्ति भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्त्री अब किसी को परेशान नहीं करती और वो शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की, जो कि अब चंदेरी का हीरो बन गया था, वो आज भी उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में खोया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा विक्की का एक दोस्त जना आईएएस की तैयारी करने दिल्ली में अपने कजिन भास्कर के पास चला गया था और उसका दूसरा दोस्त बिट्टू अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। इस तरह से चंदेरी के लोग शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक वहाँ पर एक बुरी आत्मा जाग जाती है। वो था एक सरकाटा भूत, जो कि सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाने लगता है। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो जाती है और सबको लगता है कि वो लड़कियां शहर छोड़कर बाहर अपनी पढ़ाई या जॉब करने गई है। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है, जिसके अंदर चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पेज थे, जो कि मूवी के पहले पार्ट में वो किताब से गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा लिखा हुआ था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो कि शहर का मुखिया था। वो बहुत अय्याश और शराबी आदमी था। वो औरतों की आजादी से चिढ़ता था और उन्हें बस मर्दों के इस्तेमाल की चीज समझता था। चंद्रभान और उसके साथियों को एक वैश्या का मुजरा देखना पसंद था, लेकिन बाद में जब उस वैश्या ने शादी करने का सोचा, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उस वैश्या और उसके प्रेमी को मार दिया। शादी से पहले उन दोनों की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। मरने के बाद वो वैश्या एक चुड़ैल यानी स्त्री बनकर वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट के उन्हें मार दिया और उनकी लाशें जंगल में कहीं दफना दी। उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी कि वो आएगा। ये बात असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था और वो एक सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले विक्की उस बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन बाद में जब उसके दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठाकर ले जाता है, तब उसे वो बात पे यकीन आता है। इसके साथ ही श्रद्धा भी अब चंदेरी में वापस आ गई थी और वो विक्की को उस नए भूत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है। फिर विक्की उस सरकटे को रोकने का एक आइडिया सोचता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था, और स्त्री को वापस लाने के लिए वो जना की मदद लेने का सोचता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री जना को उठाकर ले गई थी और वो उसके वश में आ गया था, जिसकी वजह से उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। इसीलिए हो सकता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे वापस आ जाए। फिर विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी में लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहां वो अपने कजिन भास्कर यानी भेड़िया के साथ रह रहा था। जना के वापस आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे एक रात वो महल में लेकर जाते हैं, जहां स्त्री रहती थी। वो लोग वहां स्त्री को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी अचानक वहां सरकटा आ जाता है, जो कि इन चारों को मारने पर तुल जाता है। सरकटा वहां जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तब ये चारों उस महल से निकलकर वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन सरकटा यहां तक उनके पीछे आ जाता है और वो विक्की को मारने लगता है। तभी वहां श्रद्धा आ जाती है, जो कि अब काले जादू में महारत हासिल करके आई थी और उसके पास स्त्री की वो चोटी भी थी, इसीलिए वो अपनी चोटी से सरकटे पे हमला करती है। पर इसके बावजूद भी वो हारता नहीं और वो स्त्री की मूर्ति को गिराकर खुद वहां खड़ा हो जाता है और सबको ये दिखाता है कि शहर में अब फिर से उसी की सत्ता चलेगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहां जना उन्हें बताता है कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था, तब वो मरा नहीं था, बल्कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे पर चली गई थी, जो कि नर्क के जैसी एक जगह थी। वहां पर वो सभी लड़कियां कैद थी। उस रात के बाद से जना जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा था, तो उसे वही जगह दिख रही थी। जना को एक तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे वो सरकटे के अड्डे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था।
इस नए राक्षस की वजह से शहर की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो सब विक्की से मदद मांगती है क्योंकि उसने पहले भी एक आत्मा से चंदेरी को बचाया था। इसी वजह से सब लोग विक्की को एक मसीहा घोषित करके उसे अपनी मदद करने बोलते हैं। इस सबके बीच महापूजा का समय भी नजदीक आ जाता है, जिसके खत्म होने से पहले सरकडे को रोकना जरूरी था क्योंकि पूजा के आखिर तक उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाने वाली थी। इसलिए श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की चोटी काटी थी, ताकि वो उससे सरकडे को मार सके, लेकिन उसे मारने के लिए उसे सामने लाना जरूरी था। इसलिए सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालने के लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है कि वो लोग शहर में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि चंद्रभान एक अय्याश आदमी था, वो उस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की इस डांस के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे, इसलिए रुद्रा अपनी पुरानी प्रेमिका शमा, जो कि एक डांसर थी, उसे चंदेरी में नाचने के लिए बुलाता है। फिर शहर में डांस का प्रोग्राम होता है, जिसे देखकर सरकटा वहां आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर वहां सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उन लड़कियों को आजाद कर सके, पर वो जगह एक दीवार के पीछे थी जिसपे कोई जादुई कवच था और उसमें कोई आम इंसान नहीं जा सकता था, इसलिए श्रद्धा वहां घुस नहीं पाती। उधर सरकटा वो प्रोग्राम में जाता है, वहां शमा ही इकलौती लड़की थी, इसलिए सब मर्द उसे घेर लेते हैं, लेकिन सरकटा उन सब आदमियों को अपनी शक्ति से वश में कर लेता है और फिर वो उन मर्दों को रास्ते से हटा के शमा को उठाकर चला जाता है। पर विक्की पे उसकी शक्ति का असर नहीं होता, और क्योंकि उस वक्त रुद्रा और जना उस जगह से दूर थे, इसलिए वो भी सरकटे के वश में नहीं आए थे, लेकिन बिट्टू और बाकी सब मर्द सरकटे के काबू में आ जाते हैं और वो सभी लड़कियों का घर से निकलना और मोबाइल यूज करना बंद करवा देते हैं। उन सबकी सोच चंद्रभान की जैसी हो गई थी। इसी बीच रुद्रा को ये पता चलता है कि वो चिट्ठी कहाँ से आई थी, इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि उस चिट्ठी भेजने वाले को सरकटे की जानकारी और उसे रोकने का तरीका मालूम होगा। वो लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था, इसलिए विक्की, जना और रुद्रा वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। ये आदमी चंद्रभान का वंशज था और इसी ने चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े थे, ताकि किसी को चंद्रभान के बारे में पता ना चले और उसके खानदान की बदनामी ना हो। लेकिन उस आदमी को अपने शहर की फिक्र थी और उसे पता था कि चंद्रभान सरकटा बनकर लौटने वाला है, इसीलिए उसने वो पन्ने एक चिट्ठी के जरिए चंदेरी भेज दिए। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं था। उस जगह पर कोई ऐसा ही जा सकता था जो ना पूरा इंसान हो ना पूरा जानवर, या फिर ऐसा कोई जो ना पूरा मर्द हो और ना पूरी औरत। वहां कोई अनोखा इंसान या प्राणी ही जा सकता था। फिर वो पागल इंसान ये भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो स्त्री की बलि ना चढ़ा दे, और क्योंकि स्त्री वो शहर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए अब सरकटा पूजा के आखिरी दिन उन सब दूसरी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और वो श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब उस महल पर जाते हैं जहाँ श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का जोड़ बन जाते हैं और उस दीवार के पार जा पाते हैं। दूसरी तरफ जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्रा को अपनी दिव्य दृष्टि से उस नर्क का लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था। फिर वहां पहुंचकर विक्की और श्रद्धा अपने शरीर अलग कर लेते हैं। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, वहां अजीब चट्टानें थी और जमीन के नीचे से लावा बह रहा था। वहीं पर एक पेड़ के पास वो सभी किडनैप हुई लड़कियां मौजूद थी, जो कि सरकटे के वश में थी और वो आज इन सबकी बलि चढ़ाने वाला था। इसलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने यहाँ आई थी, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी। फिर सरकटा वहाँ आता है और वो श्रद्धा को मारने लगता है, तब उसके साथ बाकी लड़कियां भी मरने लगती है। ये देखकर विक्की वो चाकू से उस राक्षस के सर के दो टुकड़े कर देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अब तक सरकटा मरा नहीं था, उल्टा उसके सर के दो टुकड़े अब दो अलग अलग सर बन गए थे। फिर विक्की और श्रद्धा जितनी बार उसका सर तोड़ते हैं, उतनी बार उसके सर डबल होते जाते हैं। इस तरह से अब वहाँ पर बहुत सारे सर आ गए थे, जिनसे लड़ना विक्की और श्रद्धा के लिए नामुमकिन था। तभी उस जगह पर भास्कर यानी भेड़िया आ जाता है, जिसे जना ने अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाया था, क्योंकि भास्कर ना तो इंसान था ना ही जानवर, वो दोनों का आधा आधा था, इसीलिए वो उस जगह पर जा पाया। अब भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों मिलकर सरकटे से लड़ते हैं और कुछ देर के लिए वो उसे अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर वो अपने सभी सर अपने शरीर में समा लेता है और इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है।
इसके बाद सरकटा भेड़िया को पीट के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे बहुत पहले स्त्री ने चंद्रभान को मारा था, लेकिन वो तलवार पत्थर के बीच में फंसी हुई थी, इसलिए विक्की उसे निकाल नहीं पा रहा था। इसी दौरान सरकटा श्रद्धा से जाकर लड़ता है। वो अपनी चोटी से उस पर वार करती है, लेकिन सरकटे पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो श्रद्धा की चोटी तोड़कर अलग कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरे जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिसे सुनकर स्त्री वहाँ आ जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी थी जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जलाकर मार दिया था, लेकिन स्त्री श्रद्धा को अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचानती थी। उसके लिए आज भी उसकी बेटी एक छोटी बच्ची ही थी, इसीलिए पिछले पार्ट में स्त्री ने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब श्रद्धा उसे माँ कहकर बुलाती है तो स्त्री वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को पहचान जाती है। फिर वो सरकटे से लड़ाई करती है। अब भास्कर को भी होश आ जाता है और वो भी उनकी मदद करता है। उधर विक्की पत्थर में से वो तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है और उसे वो स्त्री को दे देता है, जिससे वो सरकटे के टुकड़े करके उसे लावा में फेंक देती है। इससे वो जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद स्त्री वहाँ से चली जाती है और अब वो सारी किडनैप हुई लड़कियाँ और चंदेरी के आदमी सरकटे के काबू से आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में श्रद्धा अपनी पूरी सच्चाई विक्की को बताती है। असल में श्रद्धा का मकसद अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना था, जिसके लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल सीखा और उसकी वजह से वो खुद भी एक चुड़ैल बन गई थी। और वो कई साल से ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो कि स्त्री को मुक्त कर सके और सरकटे को हराने में मदद करे। फिर जब चंदेरी का रक्षक यानी विक्की इस काम के लिए तैयार हो गया, तब श्रद्धा ने आकर उससे दोस्ती कर ली। लेकिन अब उसे विक्की से प्यार भी हो गया था, पर वो उसके साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें जना और भास्कर एक जंगल में नजर आते हैं। यहाँ भास्कर जना को बोलता है कि उसे श्रद्धा पसंद है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है। इसके अलावा वो जना को बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है जो लोगों का खून पी रहा है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भोपाल का वो मेंटल हॉस्पिटल दिखता है जहाँ चंद्रभान का वंशज था। वहाँ एक लोटा अपने आप फिसलते हुए आता है जिसके अंदर वही लावा था जिसमें गिर के सरकटा मरा था। वो पागल आदमी उस लावा को पी जाता है जिससे वो एक शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। There's no time for me.